गोरखपुर के बेलीपार पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से हुई विवाहिता की मौत के मामले में उसके भाई की तहरीर पर पति व चार अन्य के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज किया। मायके वालों की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने शनिवार की रात राजघाट स्थित अंत्येष्टि स्थल से विवाहिता के पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के पनियरा इलाके के धनखड़ी गाँव निवासी दुर्गेश मद्देशिया पुत्र स्वर्गीय गुलाब मद्देशिया ने बेलीपार पुलिस को शनिवार को तहरीर दी कि उसने अपनी बहन संगीता देवी की शादी 10 मार्च 2017 को बेलीपार इलाके के बाघागढ़ा गांव निवासी राजेंद्र के बेटे परवीर गुप्ता से की थी। परवीर से संगीता को 13 माह की एक बेटी भी है। उसकी बहन को दहेज के लिए ससुराल के लोगों द्वारा आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा था। 7 अप्रैल को उसकी बहन को ससुर राजेंद्र, पति परवीर, देवर संदेश और दो नंदों ने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। गंभीर रूप से झुलस जाने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां हालत की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बहन के पति द्वारा की गई सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे तो बहन कुछ बोल नहीं पा रही थी। बाद में मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान कुछ हालत में सुधार होने पर उसने बताया कि ससुराल के उक्त लोगों ने उसे दहेज के लिए मिट्टी का तेल उसके ऊपर उड़ेलकर आग लगाई। घटना के वक्त उसकी सास घर पर नहीं थी, वह कहीं बाहर गई हुई थी। भाई ने पुलिस को बताया कि पोस्टमार्टम के बाद उसकी बहन के शव को राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर जलाया जा रहा है, जहाँ 3 आरोपी मौजूद हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध उचित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मृतिका विवाहिता के भाई दुर्गेश मद्देशिया और सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने कहा, नाम दुर्गेश कुमार मद्देशिया, ग्राम धनखरी पोस्ट मौलागंज थाना पनीरा महाराजगंज का निवासी हूँ। मेरी बहन की शादी 10 मार्च 2017 को हुई थी, वो भी बहुत अच्छे से धूमधाम से हमने किया था। हमारे पिताजी बचपन से ही गुजर गए थे, हमारी दो सिस्टर थी, एक सिस्टर की शादी कर चुके थे, ये छोटी वाली सिस्टर थी। और विगत 7 अप्रैल 2019 को उसके ससुराल वाले ने मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया, जिसका उपचार बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हो रहा था। वो बोलने की हालत में कुछ नहीं थी, इसलिए वो अपना दुख दर्द हमें सुना नहीं पाई। हमने उसकी हालत देख के पहले उसका दवा और उसके ट्रीटमेंट का स्पष्टतम यही किया कि उसको ट्रीटमेंट अच्छे से दें, लेकिन उसकी हालत ख़राब होती चली गई। 11 अप्रैल को उसने आप बीती अपनी सब बता दी हमें, और उसके बाद 12 तारीख को एक्सपायर हो गई। उसके बाद क्या किया आपने? उसके शादी के कुछ ही दिन बाद उसके ससुराल उसको प्रताड़ित कर रहे थे दहेज के लिए, मोटरसाइकिल के लिए। उसको दो तीन तीन दिन तक खाना नहीं देते थे, और उसको फिर 6 महीने के बाद उसको अलग कर दिए। उसके बाद भी घर में तरह तरह की प्रताड़ना, शौचालय में ताला बंद कर देते थे, पानी नहीं देते थे, लाइट के लिए वो सब बोलते थे, और सारा जेवर उसका कुछ ही महीने बाद उसको रख लिए थे सब। वो हमसे बहुत कुछ छिपाती थी हमारी सिस्टर कि हमारे घर का मामला है। इसके वजह से हम लोग ज़्यादा उसके संज्ञान में नहीं थे, अतः
कुछ दिन के बाद हमें पता चला था, इसके घर आके हम लोगों ने, हमारे एक चाचा थे तो कुछ बात कर रहे थे, तो उसकी दोनों ननद, सास, ससुर हम लोगों को गाली गलौज सब देने लगे हैं, कह रहे थे सब क्या शादी किए हो, कुछ नहीं दिए हमें, कुछ नहीं दिए। हाँ, कंप्लेन कर दिए हैं पुलिस में, FIR रिपोर्ट भी मिल गया हमको, हमने तहरील दे दिया, मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये वादी जो है मदेशिया जी, जो महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं, इनकी बेटी की यहाँ शादी हुई थी थाना क्षेत्र बेलीपार में, तो इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इनकी बेटी को तेज झड़क के आग लगा दी गई है, इस पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया, विधिक कार्यवाही कार्यरत है इसमें। अभी वर्तमान समय में गिरफ्तारी नहीं है, पूछताछ हेतु बुलाया गया, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।